आमदार ज्योति पप्पू कालानी के प्रयासों से शहर के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए आमदार निधि से हमारे शहर में कई विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके पर महापौर पंचम मोमी कालानी के साथ साथ और भी कई गणमान्य लोग इस मौके पर यहां मौजूद थे। किशोर पैलेस के सामने जो साधु वासवाणी जहाँ पे आई लव माई उल्लासनगर है वहाँ पे भी ओपनिंग करके आए हैं। वहाँ पे 3 स्टैचू, क्योंकि जो आजकल का जो यंग जनरेशन है वो हेल्थ कॉन्शियस है। वॉलीबॉल खेलते हुए ऐसे 3 जो है स्टैचू हम लोगों ने वहाँ पे चौक पे रखा लगाए हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए। और गार्डन, साधु वासवाणी गार्डन के अंदर भी ओपन जिम जो है वो लगेगा। पूरे सर्किल में, राउंड में वो 12 मुद्राएं दिखाई जाएंगी सूर्य नमस्कार की, ताकि लोगों को आते जाते लगे कि हम अपने हेल्थ कॉन्शियस रहें और योगा और एक्सरसाइज करते रहें। तो इस तरह के काम जो है आज हम लोग निकले हैं। जो MLA ज्योति पप्पू कालानी मैडम के MLA फंड से 10 लाख रुपए का निधि दिया गया है। इसमें ओपन जिम है, जो लोग सुबह वॉक करते हैं या शाम को वॉक करते हैं, जो बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए उनको किसी जिम में नहीं जाना पड़े, यहाँ पे वो कर सकते हैं। ऐसे वो यहाँ पे लगेंगे। ओपन जिम होता है जो हम फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं या जो एक्सरसाइज करते हैं। हमारे सभी जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कोई भी यहाँ आकर के वो जिम मतलब कर सकता है। इनको जिम करने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ओपन जिम बन रहा है और सामने जो गार्डन है वहाँ पे बच्चों का जिम बन रहा है। 10 लाख का फंड यहाँ पे काम का उद्घाटन हुआ है, 10 लाख का वहाँ पे। एक समाज मंदिर का भी उद्घाटन किया हम लोगों ने। तो ये सब जो है आमदार फंड से काम आज उद्घाटन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा
और ये सपना गार्डन हमारे सभी सीनियर सिटीजन जो हैं इसका साधु वासवानी गार्डन में भी पूरा पूरा उपयोग सदुपयोग लेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग ने सुबह को 8 बजे से मॉर्निंग हम लोग राउंड लगाने गए थे साधु वासवानी गार्डन में। इस गार्डन की हालत थोड़ी सी खस्ता है, तो उसके लिए हम लोग ने वहाँ पे पानी का व्यवस्था के लिए कल बोरिंग का काम चालू किया था। उसके बाद वहाँ पे लाइटनिंग का काफ़ी प्रॉब्लम है, तो हम लोग ने ऑफिसर्स को वहाँ बुला लिया। लाइटनिंग का काम कल से चालू हो जाएगा। वहाँ पे बेंचेस का एक पूरा सेक्शन टूटा हुआ है, तो हम लोग फिलहाल बेंचेस भी दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम साधु वासवानी गार्डन को भी सपना गार्डन बना रहे हैं, और होपफुली जैसे सपना गार्डन मेंटेन्ड है, साधु वासवानी गार्डन भी वैसे ही मेंटेन होगा। 5 नंबर पैनल में पानी का भी काफ़ी तकलीफ था, मधुसूदन आश्रम बापूजी के आश्रम के गली में। तो आज हम लोग ने वहाँ विजिट किया, हमको पता चला कि वहाँ के जो वॉल हैं वो बंद किए गए हैं पर्पसली या आई डोंट नो व्हाट। हम लोग ने वो वॉल भी आज खुलवाए हैं, होपफुली सैटरडे को पानी आ जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसका कोई नया सोल्यूशन सैटरडे को निकालेंगे। टीवी के साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। सिर्फ आपको YouTube पे सर्च करना है टीओ के जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनादेश।